हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ आप देखिए, प्रश्नावली 1.1 में है पेज नंबर 6, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? यह क्वेश्चन, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। यह हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ क्या है, क्या जगह देंगे हम, हाँ कोमा लगाएंगे, यही उतारेंगे, शून्य एक प्रमेय संख्या है, यहाँ पूर्ण विराम दिए, फिर है इसे पहले लिखेंगे हाँ शून्य एक प्रमेय संख्या है, शून्य एक प्रमेय संख्या है, फिर यहाँ है क्या इसे, तो क्या की जगह देंगे हाँ, क्या की जगह क्या देंगे हाँ, यही लाइन पूरा उतारेंगे, इसे हम आपके जगह देंगे हम, यहाँ जो आप लिखा हुआ है आपके जगह देंगे हम, आपके जगह लिखेंगे हम, तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यही लाइन उतार दिए, लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0 है, q बराबर नहीं 0 है। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे p बटे q बराबर 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 etc। प्रमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर, और इसमें कुछ बातें आती हैं, जैसे पूर्णांक, पूर्णांक संख्या हुआ पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस, 0 भी शामिल है पूर्णांक में, 0, 1, 2, 3, 4 etc। पॉजिटिव हुआ +1, +2, +3, निगेटिव हुआ -1, -2, -3, 4, 5 etc। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, तो x जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हो गए, प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या हुआ ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 etc, ये सब क्या हो गया सम संख्या, सम संख्या। और एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या हुआ आपको जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 2/1, जैसे विषम संख्या हुआ, सॉरी, जिसमें विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7, 11 .. तो विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर, और सम संख्या कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। तो विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि शून्य भी एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, p बटे q बराबर हो गया 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 0/5, 0/4 etc। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि शून्य एक क्या है, प्रमेय संख्या है, शून्य एक प्रमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में आपको यह भी जानना है कि दो संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या छिपे हुए हैं, किसी भी दो प्रमेय संख्या के बीच अनंत प्रमेय संख्या हम निकाल सकते हैं।